हेलो, मैं प्रतीक्षा आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत कर रही हूँ दोस्त आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दीपो की रसोई में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हलवा बनाकर, और आप देखिए हम आज आपको हलवा दिखाते हैं बना के। मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस को अब ऑन कर दूँगी। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें हम घी डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हम आज किस चीज़ का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हमने सूजी लिया हुआ है और ये हमने बेसन लिया हुआ है थोड़ा सा, और ये हमारी चीनी यानी शक्कर हो गया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। इस विधि से हलवा बनाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। हम घी डालडा ही डाल रहे हैं। और जब हमारे घी अच्छे से घी गर्म हो जाएंगे तो फिर इसमें हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे बनाना है। वैसे तो हम सभी लोग हलवा बनाते होंगे, आप सभी लोग भी बनाती होंगी। और एक बार ये मेरा देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। अभी हमारा घी गरम नहीं हुआ, जब घी अच्छे से गरम हो जाएंगे तभी इसमें हम सूजी डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा घी अच्छे से गरम नहीं हुआ है। और हलवा को बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही घी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि घी अगर कम है तो हलवा अच्छे से फिर बन नहीं पाते हैं और वो टेस्टी भी नहीं बनते हैं। मैंने इतना घी डाला हुआ है, आप देख सकती हैं। हमारे घी जो है गर्म हो चुके हैं, अब इसमें मैं सूजी डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सूजी को मिलाने के बाद अब हम इसमें जो है बेसन को भी डाल देंगे। बेसन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया हुआ है, एक बाउल मैंने सूजी लिया है तो उसका आधा जो है मैंने ये बेसन लिया हुआ है। बेसन डालने से बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है, दोगुना टेस्ट बढ़ जाता है। और इसे हम बहुत तेज आंच पे नहीं भूनेंगे, धीमे गैस कर देंगे, थोड़ा मीडियम ही करके गैस हम इसको भूनेंगे, क्योंकि अगर तेज आंच पे भून देंगे तो ये अच्छे से भुनाएंगे नहीं और ये कच्चे रह जाएंगे तो फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम इसे धीमे आंच पर ही भूनेंगे। और देखिए अब हमारे जो ये दोनों जो है सूजी और बेसन दोनों ही धीरे धीरे भुना रहे हैं। और इसे बहुत ही अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से नहीं भुनाएगा तो फिर हलवा का टेस्ट वो वाला नहीं आ पाता है जो कि ये होना चाहिए। भून कर दिखाते हैं। और अब आप देख सकती हैं कि मेरा ये सूजी जो था अब बिल्कुल भून कर तैयार हो गया है। और जब ये अच्छे से भून जाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है। आप देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब।
इसके में अब हम जो है चीनी मिला देंगे और चीनी थोड़ा इसमें हम मिठाई डालेंगे, क्योंकि जो है हलवा हो या खीर हो या कोई भी स्वीट डिश हो तो मिठाई ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फीका अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने इतना शक्कर डाल दिया हुआ है। अगर आप हल्का मीठा खाना पसंद करती हैं तो कम भी कर सकती हैं। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा हम ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि हम जो है सूजी का हलवा बना रहे हैं तो सूजी जो है पानी बहुत ज़्यादा सोख लेता है, इसलिए हम पानी थोड़ा अधिक डाल रहे हैं। और मैंने पानी भी डाल दिया है। अब इसे पकने में 2 से 4 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सूजी जो है अच्छे से पानी को सोख लेंगे तब फिर मेरा हलवा जो है तैयार हो जाएगा। और ये मैंने कुछ किशमिश ले लिया है। हलवा में किशमिश डालने पे बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो डालिए, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकती हैं। और अब आप देख सकती हैं कि हलवा जो है बिल्कुल मेरा रेडी होने वाला है। जब ये तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हलवा कैसा बना है। थोड़ा सा 2 से 4 मिनट और लगेगा, क्योंकि अभी अच्छे से ये पका हुआ नहीं है। जब पानी अच्छे से सोख ले तब समझ लीजिए कि आपका हलवा रेडी है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है बनकर। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। इसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है हलवा मेरा, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आप गैस ऑफ कर दूंगी और हलवा को जो है मैं कढ़ाई नीचे रख दूंगी। इसे मैं बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकती हैं। तो फिर एक बार आप मेरे रेसिपी से ज़रूर हलवा बनाइएगा। और अगर मेरा हलवा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी रेसिपी लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले देख सकिए। ओके बाय, फिर मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ।